नाम है इस पेपर का यार, अब इसमें कई सारी चीजें जो हमें प्ले करनी है। सर हमें स्टोरीज को प्ले करना है, नॉवेल्स बोलो या आप उसको प्ले बोलो, डज मैटर फॉर मी, इट्स जस्ट अ स्टोरी। देन सेकंड वी नीड टू हैव द पोएट्री सेक्शन। सर इसका ब्लॉक वन सीरियसली जो हम बोलते हैं जहाँ पे हमें सारा कंटेंट दिया हुआ है, ये न्यू लिटरेचर इंग्लिश क्या है, एंग्लो सेक्शन क्या है, क्या लिटरेचर क्या है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीरियसली नो नीड टू गो फॉर दैट। आपको जो प्ले करना है मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आना रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश की। अब इस पेपर में सबसे पहले क्या करना है, चलो जो मैं सीरीज बता रहा हूं आज इसको फॉलो कर लेना, फिर बाद में बोला कि मैंने बोला नहीं था। सबसे पहले हम करेंगे स्टोन एंजल। यस आई स्टार्ट विद द स्टोन एंजल। मुझे क्या है कैरेक्टराइजेशन, कैसे काम करेंगे, कौन से पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए, सो दैट वी कैन डील विद बिगिनिंग टू द एंड। मतलब सारी चीजें एक साथ ऑन टिप करनी जरूरी है। तो आपने कहा पहला पॉइंट आया कैरेक्टराइजेशन, जब हम कुछ अभी तो शुरू हुआ यार, दिस इज बिगिनिंग। आपने कहा नरेटिव टेक्निक, जिसपे क्वेश्चन आता है। तो पहला आ गया कैरेक्टराइजेशन, जिसमें आपको कैरेक्टर बोला है, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्लियर कर लेना है। फिर आते हैं हम नरेटिव टेक्निक के ऊपर, एंड देन वी गो टू थीम्स। इस पेपर में थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर स्टोरी लाइन के अंदर थीम्स का टॉपिक आएगा ही आएगा। आपने कहा तो तीन चीजें होगी हमारी, कैरेक्टराइजेशन हो गया हमारे पास, हमने बात की नरेटिव टेक्निक की, हमने बात की थीम्स की। देन वी जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज अ नॉवल ऑफ अवेकनिंग। कुछ आता है The Stone Angel is a novel of awakening. Comment. How I'm going to write down. It is a novel of awakening. सारे concepts बताने पड़ेंगे. So flashbacks. The concept stream of consciousness. वो आएगा इस आंसर में. That is the novel of awakening. I repeat. इसको मत भूल जाना यार. फिर बाद में पछताओगे कि सर आपने बोला था फिर भी हमने नहीं किया. तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया आपके लिए। तो दिस इज द स्टोन एंजल, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक, थीम, द नॉवल ऑफ अवेकनिंग। कम अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड दैट बी द की, द सॉलिड मंडेला। सॉलिड मंडाला बोले या मंडेला बोले, मंडाला बोलो तो ज्यादा बेटर है, बाकी चॉइस इज योर्स। कुछ भी बोल रहा है पेपर में, आपको क्वेश्चन के आंसर लेके आना है, बोलना नहीं है। द सॉलिड मंडाला सॉलिड मंडाला में हमें क्या पढ़ना है, किसको छोड़ू किसको कर लू। सेम पहले कैरेक्टराइजेशन की बात करूंगा, मुझे कैरेक्टराइजेशन ऑन टिप होनी चाहिए। टेक्निक्स की बात करूंगा जो मैंने आगे नहीं बताई थी। सही टेक्निक्स कौन सी, वही लिखते हुए जो हम राइटर की बात करते हैं, टेक्निक्स को क्लियर करना है, दैट्स रियल इंपॉर्टेंट। तो दो चीजें डॉमिनेंट है, पहला कैरेक्टर एंड देन नरेटिव टेक्निक्स। And then one more thing that is really key, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द यूज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एम्प्टीनेस। यस दैट वाज बीइंग शोन इन द स्टोरी लाइन।
ऑस्ट्रेलियन एम्प्टीनेस वो हाईलाइट किया गया, उसको यहाँ आपने मेंशन करना है, ऑस्ट्रेलियन एम्प्टीनेस प्लीज को याद रखना, ये छोड़ना नहीं है आपने। तो यार ये हो गए टॉपिक जो हमें क्लियर करने, हमने कहा सर कैरेक्टराइजेशन हो गया, नरेटिव टेक्निक हो गया, थिंग्स द नाउ अवेकनिंग, देन द सॉलिड मैंडेला, कैरेक्टराइजेशन हो गया, नरेटिव टेक्निक होगी एंड ऑस्ट्रेलियन एम्प्टीनेस, इसको हाईलाइट किया। जब अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज रियली व्हाट नेक्स्ट सेगमेंट को करना है, तो उसमें हमें क्या क्या आना चाहिए बिगनिंग से लास्ट तक ले करना है। सो नेक्स्ट वन द हाउस होम मिस्टर विश्वास, यस द हाउस होम मिस्टर विश्वास वन ऑफ फेवरेट, यस वन ऑफ द फेवरेट हाउस होम मिस्टर विश्वास सर तुलसी हाउस, कैरेक्टर ऑफ मिस्टर विश्वास, मतलब अगर मैं इसको नहीं लिख रहा तो मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं, अब हम डिस्कस करते हैं, तो शायद टाइम ज्यादा लग रहा है, ऊपर से बीच में ना आवाज बुला रही, मेरे पड़ोसी का काम चल रहा है तो वो तंग करें हमें इस साउंड से, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा आप लोग प्लीज लिखते जाइए दैट बिट पार्ट। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास है सर सॉलिड मंडेला के बाद हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास कैरेक्टर्स, कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डोमिनेंट है, चाहे वो मिस्टर विश्वास है, चाहे उनकी बीवी है, चाहे उनके पापा जो एक्सपायर हो गए उनको बचाने के चक्कर में, वो पहले प्रेडिक्ट कर दिया था पंडित ने कर दिया था, पर कांट हेल्प इट, इम्पॉर्टेंट है। देन थीम्स, थीम्स आर द मेजर रोल प्लेयर इन दिस स्टोरी लाइन, थीम्स को क्लियर करना आपने। एंड देन वो होता है एक आदमी का एम्बिशन होता है कि मुझे कुछ चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन हाउस, मैंने से पहले अपना घर बना लूँ, जो कॉन्सेप्ट है ड्रीम हाउस वाला, उसको ऑन टिप कर लेना, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, उसको क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो हम बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आपने कहा हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि आवाज आनी बंद हो गई, तो हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसमें आपने बोला सर हमारे पास आ गया कैरेक्टराइजेशन, कम नेक्स्ट वन थीम्स, नेक्स्ट ड्रीम हाउस, द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम हाउस, इसको प्लीज क्लियर करना, ये जरूरी है। तो दीज आर थ्री, ऑनेस्टली दीज आर द बेस्ट थ्री जो हमें करना, नहीं बेस्ट नहीं, बेस्ट तो येट टू कम, एंड दैट इज नॉट द आइस कैंडी मैन, द वर्क ऑफ सर। अब मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ, मैंने कहा यार मेरे को सिर्फ वो पढ़ना जरूरी है, मुझे पढ़ना ही बोल सकता है, उसने कहीं ना कहीं चीज को हाईलाइट किया जो मेरी पार्टीशन प्ले है उसको क्लियर करूंगा। जब मैं आइस कैंडी मैन की बात करता हूँ नरेटिव पे क्वेश्चन करता हूँ, यस दिस क्वेश्चन ऑन नरेटिव टेक्निक, ऑमनिसेंट नरेटिव टेक्निक, चाइल्ड नरेटिव है जिसको हाईलाइट, वापसी सिर्फ की बात कर रहा था मैं, तो मुझे ऑन टिप होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, एक एक चीज हमें आनी चाहिए। तो आपने कहा आइस कैंडी मैन, चाइल्ड नरेटिव, कैरेक्टर्स, चाहे वो आइस कैंडी मैन का है, चाहे वो आया का है, चाहे वो बाकी लोगों का, ये आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए। तो आपने यार सारे के सारे हमें टॉपिक ऑन टिप है, चीजें समझ भी गए हैं, कैसे करना है, करने का क्या होगा, किस फॉलोअप को देखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइस कैंडी मैन, बोल रहा आइस कैंडी मैन क्या कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड नरेटिव, कैरेक्टराइजेशन, पार्टीशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन, यस इम्पॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए मैं कैसे करूंगा, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक फॉलोअप्स को आपको देखना है, ये सारी चीजें हमें याद होंगी बिगनिंग से लास्ट तक ऑन टिप पहुंची, तक चीजों को बड़े आराम से बताओ। तो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हम चीजों को क्लियर कर रहे, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेन ऑफ वीट, यस द नेक्स्ट वन इज अ ग्रेन ऑफ वीट, आपने यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, आइस कैंडीमैन हमें क्लियर हो गया, आइस कैंडीमैन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब आते हैं ग्रेन ऑफ वीट के ऊपर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। Sorry, can't help it. आवाज तो बाहर आ गई, तो यहाँ गया a grain of wheat, आपने कहा सर इसमें क्या करना है, इसमें मैं प्लॉट को क्लियर करूंगा, ऑनेस्टली मैंने बाकी सबकी बात की, इसकी बात करूंगा, इसमें प्लॉट को क्लियर करूंगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क कॉन्टिनेंट, यस द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क कॉन्टिनेंट, उसको क्लियर करना जरूरी होगा आप लोग, बड़े आराम से क्लियर भी कर पाओगे फिर। तो आपने कहा यार यहाँ क्या क्या लिखना है, आप लिखो प्लीज, बोर्ड भी जगह बची नहीं है, तो मैं आप लोग बोलूंगा आप लोग लिख लें प्लीज, फर्स्ट प्लॉट कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए,
सेकेंड कैरेक्टराइजेशन आप बताओ जी क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क कॉन्टेंट दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. आपने कहा सर दिस इज रियली टेलिंग अबाउट द बेसिक थिंग्स दैट आर गोइंग इन अफ्रीका, उसको हाईलाइट किया गया, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था. एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, नरेटिव टेक्निक फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ व्हीट. जब कहते हैं ग्रेन ऑफ व्हीट के बाद आता है हमारा अ डांस, अ डांस ऑफ फॉरेस्ट. आपने कहा सर डांस ऑफ फॉरेस्ट में उस ट्राइब की बात करो, अ डांस ऑफ फॉरेस्ट पहले ट्राइब की बात करो, ट्राइब का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अलॉन्ग उसमें कैरेक्टर्स को क्लियर करो, दो चीजें क्लियर करो, कैरेक्टर्स और सर जो ट्राइब है उसके कॉन्सेप्ट को बताइए, जिसमें अगर आप चाहो तो आप थीम्स को एड ऑन कर सकते हो. लास्ट सेगमेंट दैट इज पोएट्री. पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है सर? मेरे पास दो पॉइंट है, डायरेक्ट वर्स डायरेक्ट वर्क पॉइंट, उसकी पोएट्री बड़े आराम से की होती, मेरी वीडियोस हैं दोनों पोएट्रीज में, आपको कॉन्सेप्ट वर्क हो जाएगा. एंड देन एडवर्ड बेथवेट, बेथवेट की पोएट्री भी है जिसको आप आराम से क्लियर कर लो, इस चीज को समझ भी लोगे. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस टू गो फॉर इट नाउ, डोंट वेस्ट इवन अ सेकंड मिनट. एंड आई रियली नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट बिना किसी डाउट को भी. कैच यू गाइस सून इन द वीडियो. ऑल द बेस्ट.